उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पूरे विश्व की नजर अयोध्या पर रही, वहीं जिसको लेकर तरह तरह के कवायद भी लगाए जा रहे थे। लेकिन अयोध्या नगरी हमेशा की तरह इस बार भी आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की और बेहद शांति सौहार्द पूर्वक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया। और यही सौहार्द पूरे विश्व का यह संदेश देने का काम किया कि अयोध्या में सब शांति शांति है। और अयोध्या फैसले के बाद कार्तिक पूर्णिमा मेला व देव दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों व प्रमुख कुंडों पर देव दीपावली पर बड़ी संख्या में दीप जलाया गया। देव दीपावली पर जहां मां सरयू की आरती उतारी गई, वहीं अयोध्या के प्रमुख कुंड दंत धावन कुंड पर स्थानीय नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में दीप दान किया गया, जिसे देखने के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं स्थानीय निवासी मोहित गुप्ता ने बताया कि अयोध्या में रामलला के पक्ष में फैसला आने पर इस वर्ष देव दीपावली पूरी अयोध्या में मनाया जा रहा है। पर दंत धावन कुंड यहां पर बहुत बड़ा शरद पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि प्रदेश स्तरीय झांकी के रूप में विद्यमान है। प्रदेश के सारे लोग इसको देखते हैं और देव दीपावली इस कुंड पर एक अलग ही प्रतिबिंब लेकर आई है। रामलला के आने से हम लोग बहुत ही ज़्यादा हर्ष में हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अयोध्या की जनता से और जितने भी जहाँ जहाँ भी जिस भी तीर्थस्थल पर पौराणिक कुंड हैं, उन सभी से अनुरोध है स्थानीय निवासियों से कि हर कुंड पर अधिक से अधिक दीप जलाएं और इस दीपदान के महत्व को अत्यधिक बढ़ाएं। जय श्री राम।